जब भी मान पड़े कर सबसे दाइम का काम होता है दरवाजे के पास यहाँ पे खड़े हो जाना और इनकी सारा कुरान पाक पढ़ते हुए सुनना। इसको इधर भी करे तो कि इसने यहीं बैठे रहना, पूरा घंटा यहीं खड़ा रहेगा। दाइम कम है, कम है, ये देख फिर उधर ध्यान सारा उधर ही है कुरान पाक की तरफ। इधर आओ, ये जी अब्बू की गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार हो गई है, अब अब्बू को देने चलते हैं। और अब्बू का फेवरेट फ्रूट केक। चलो जी आप लोगों को तीन शूज़ दिखाती हूँ। सबसे पहले जी डिस्काउंट कोड देख लीजिए, डिस्काउंट कोड है M10, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले आ जाता है जी ये खुस्सा। अच्छा बहुत ही नरम खुस्सा है, ये पाँव में ऐसा लग रहा था पहन के कि बिल्कुल ही ना रुई के अंदर पाँव दे दिया। और ये इसका स्टाइल है, ये देखिए। जब देसी और वलैती को इकट्ठा मिक्स कर देना तो ये स्टाइल बनता है। कोई कोई कपड़े ऐसे होते हैं ना वो देसी की तरफ होते हैं ना वो वलैती की तरफ होते हैं, मिक्सचर होते हैं, तो उसके लिए ना ये बड़ा मज़े का खुस्सा है। अच्छा जी उसके बाद आ जाती हैं जी ये हील्स। लास्ट में आ जाती है जी ये चप्पल काली। चलो जी मैंने इनकी वेबसाइट टैग कर दी है, आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके प्राइस वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक ब्लैक हो गया, इस तरह का इसका बकल भी लगा हुआ है आगे। एक ये पिंक हो गया और एक ये वाला हो गया हील्स। ये जी अरमस का बहुत ही खूबसूरत टू पीस ड्रेस आया। चाहे इस टू पीस ड्रेस को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगी, अगर आप लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, चाहे आप लोगों ने बाय कार करना हो बाय प्लेन करना हो और आप लोग बहुत कंफर्टेबल लेकिन सुपर स्टाइलिश ड्रेस चाहिए जिसको पहन के आप पतले भी लगे, तो ये ड्रेस आपके लिए। इसमें एक और कलर है ब्लू, वो मेरे पास है, जब मैंने ट्रेवल करना होता है अक्सर मैं वो पहन लेती हूँ। एक तो बहुत प्लेन है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत कंफर्टेबल है और बड़ा स्टाइलिश लगता है, ऊपर हल्का सा स्टोलर या कोई हल्की सी ब्राउन शॉल ले ली जाए तो। ये देखें बहुत प्यारा, इसके स्लीव्स देखें कितने प्यारे हैं, ये देखें। और इसके साथ आ जाता है जी इसका प्लेन ट्राउज़र। उसके बाद जी ये टू पीस ड्रेस है। सबसे पहले आप लोग स्लीव्स की डिटेलिंग देख लीजिए, ये थोड़ा मोटा कपड़ा है सर्दियों वाला। और इसके शर्ट का फ्रंट कुछ ऐसा है, हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, दो बटन्स हैं और इस तरह बैन है गोल घेरे के साथ। और ये है जी शलवार लवर्स के लिए, जो लोग शलवार पहनना पसंद करते हैं, बड़ी स्टाइलिश शलवार बनी हुई है। चले जी मैंने पेज टैग कर दिया, आप लोग लास्ट में जाके इनके पेज पर देखिएगा, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, सिंपल स्टाइलिश और कम्फर्टेबल। अगली जी मैं आपको दो प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, ब्यूटी सीक्रेट्स पर बिया मजीद की, इसके ऊपर लिखा है जी सलाम मेरी प्यारी, बड़ा प्यारा सा रीसेंट सा बॉक्स है, इसको खोलते हैं। ये मैंने पहले ही खोल लिया था क्योंकि इनकी सनस्क्रीन थी, मैंने ट्राई करनी थी। अच्छा इनकी सनस्क्रीन का जो टेक्सचर है ना वो इतना बटरी, जिस तरह मूज होती है ना मूज फाउंडेशन का, उस तरह का है। और जो ये शेड है जो मर्जी लगा लेगा उसके अकॉर्डिंगली वो शेड ब्लेंड हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्योंकि इसके अंदर कोई वाइट कास्ट नहीं है, टिंटेड सनस्क्रीन है, एकदम ग्लोई और नीट नीट सी इफेक्ट आना शुरू होता है। बाकी इनके पेज पे ना लगी हुई है वीडियोस वगैरह, आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को बेटर आइडिया हो जाएगा। ये इनकी सनस्क्रीन है, ये इनका सीरम है, मैं दोनों आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। हाँ जी ये देखें जी मैंने ब्लेंड कर दी, हल्का सा ब्राइटन अप कर दिया है, मूज कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल भी केकी केकी फील नहीं हो रहा क्योंकि टिंटेड सनस्क्रीन है। बाकी की डिटेल्स ही आप लोगों को लेने के लिए इनके पेज पर जाना पड़ेगा। अच्छा फ़र्क पता चल रहा है आप लोगों को उस हाथ का और इस हाथ का, वो रेड रेड तो चोट लगी हुई है ना, इस तरफ देखें ब्राइट ब्राइट लग रहे हैं और उस तरफ देखें थोड़ा डल डल लग रहा है।
सबसे पहले जी टोन और मॉइस्चराइजर के बारे में बात करते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, वॉटरी वॉटरी सी है, लेकिन ये लगा हुआ बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ का नाम याद नहीं आ रहा जो कि इस तरह की थी, जो बड़े अमियाँ हमारी इस्तेमाल करती होती थी, लेकिन अब वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन इन्होंने लॉन्च कर दिए। ये देखें जी, ये मॉइस्चराइज़र है, आपको मॉइस्चराइज भी करेगा और आपको हल्का सा टिंट भी दे देगा, बड़ा प्यारा सा। और इसकी खुशबू भी बहुत लाइट है, जो अमियाँ हमारे इस्तेमाल करती थी उसकी खुशबू तो बहुत तेज़ होती थी ना, अगरबत्तियों जैसी, तो लेकिन इसकी खुशबू बहुत लाइट है। ये देखें जी, ये मॉइस्चराइज़र आ गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी इनका कीवी जेल मास्क। ये देखें, उसके बाद ये क्लीनिंग बाम है, मेकअप आप लोगों ने कर लिया है, इसके साथ क्लीनिंग अच्छी तरह करनी है ताकि पोर्स वगैरह से सारा बेस शेस उतर निकल जाए और फिर अपने अपना मुंह धो लेना है। ये नहीं करना है कि क्लीनिंग बाम से उतारने के बाद मुंह नहीं धोना, मुंह लाजमी धोना है, ठीक है जी, ये आपके मेकअप को मेल्ट करेगा। उसके बाद ये दो आ जाती हैं छोटी छोटी सी क्यूट सी बॉटल्स, ये है जी इनकी नाइट क्रीम, ये है इनकी डे क्रीम। चलें जी, मैंने पेज टैग कर दिया है, आप लोग इनके पेज पर जाएँ और आप लोग बाकी इन्फॉर्मेशन ले लें। अगला पार्सल जी केटू की तरफ से है, ये ज़ाफ़रान देखें, बिल्कुल फ्रेश है और बहुत प्यारी खुशबू है इसकी। ये जी केटू की चीज़ें हैं, सबसे पहले स्टोन चॉकलेट आ गई, ईमान बहुत शौक से खाती है, फिर ये मूंगफली आ गई, फिर जी ये एप्रिकॉट आ गया गुठली के बगैर, लेकिन मैं कहूँगी गुठली के साथ वाला ज़्यादा मज़े का लगता है। उसके बाद बादाम आ गए, निकले हुए बादाम से ज़्यादा ये जो छिलके वाले कागजी बादाम होते हैं ना, ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, ज़्यादा मज़े के होते हैं। फिर जी ये चिलगोज़े आ गए, उसके बाद जी ये सीड्स आ गए। अच्छा, अगर आप लोग सीड साइकिलिंग कर रहे हैं, आप लोग को सीड्स चाहिए तो इनके पास आप लोग को सारी वैरायटी मिलेगी, आप लोग इनसे ले सकते हैं। उसके अलावा इनकी मुझे कौन सी चीज़ पसंद है, वो क्या कहते होते हैं जो काजू होते हैं ना, जो छिलके के साथ वाले काजू होते हैं, मैं कहती हूँ इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी, बिल्कुल हल्का सा छिलका लगा होता है उसके ऊपर और उतारो और खाओ तो इतने क्रिस्पी और बहुत मज़े के वो होते हैं, ठीक है जी। बाकी मैंने पेज टैग कर दिया, कोई भी ड्राई फ्रूट लेना है, किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है ड्राई फ्रूट के बारे में, तो ये जी स्टोन चॉकलेट्स हैं और मैंने पेज टैग कर दिया है, आप लोग पेज पे जाएं और देखें।